तो ये देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। रेडियस ऑफ द एयर बबल इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। जो रेडियस पर 1 सेंटीमीटर होगा तो वॉल्यूम का रेट क्या होगा? देखो एक यहाँ से रेडियस ऑफ द एयर बबल है और उसकी रेडियस कुछ आर है, और ये रेडियस इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डी आर अपन डी टी, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में हाफ सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक ना? इतना तो ये कहते हैं कि वॉल्यूम 1 सेकेंड कितना बढ़ रहा होगा वो हमें निकालना है। तो जो अगर मैं वॉल्यूम इसका लिखता हूँ तो 4/3 πr³। अब वॉल्यूम का रेट निकालना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो dv/dt द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा, और dv/dt यहाँ से, और यहाँ से 4/3 πr³। जो हमें dv/dt की तो वैल्यू चाहिए, और यहाँ से 4/3 π बाहर है, तो यहाँ से dv/dt और यहाँ से r³। तो अगर r³ यहाँ से तो कॉमन ले लो, क्या है भाई कॉमन? तो 4/3 π, और इसका डेरिवेटिव 3r² dr/dt, ठीक ना? आई होप कि डेरिवेटिव आपको आता होगा। अगर ये टी रहता तो 3t² होता, ठीक है? लेकिन ये आर है और टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो dr/dt मेडिकल वालों, तो ये ख़त्म हो गया। तो dv/dt की फाइनली जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 4πr² dr/dt। अब वैल्यू रख दो, ठीक है ना? रेडियस जो है dr/dt, यहाँ पहले ही मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पहले ही dr/dt यहाँ दिया हुआ था ये वाली चीज़, और रेडियस 1 है। तो यहाँ से 4π, जब रेडियस 1 हुआ है, 1 का स्क्वायर, और dr/dt हाफ, तो इस हाफ का मतलब 2π यहाँ से cm³/s आएगा, cm³/s। इतना जो है, क्योंकि dv/dt है ना, तो यूनिट cm³ आएगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन अपना मैच कर गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।